हेलो फ्रेंड्स, श्रुति डांस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैंने सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं आपको बहुत ही आसानी से डांस स्टेप सिखाऊंगी। आपकी एज चाहे कोई भी हो, अगर आप डांस सीखना शुरू करना चाहते हैं तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए। और आज जो मैं स्टेप्स बताऊंगी वो ऐसे स्टेप्स हैं जो कि ढोलक का म्यूजिक हो, कीर्तन में या शादी ब्याह में ढोलक बजती है, आप वहां पे इन स्टेप्स को करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी करिए और इन स्टेप्स को सीख लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब जमीन में पैर रखना है, एड़ी उठी रहेगी, ऐसे रखना है और फिर बस कुछ सेकंड बाद पैर पूरा रख देना है। फिर दूसरा पैर उठाना है तो एड़ी उठा के ऐसे रखना है और फिर पूरा रख देना है। यही चीज आपको बदलते रहना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। इसी में आपको क्या करना है, जब आपने एड़ी उठाई और अब आप पैर रख रहे हैं तो आप हल्का सा कमर को भी ऐसे साइड में करिए। 1 2 3 4 1 2। यूं करते हुए रखिए पैर, एड़ी उठाइए, अब ये करते हुए पैर को पूरा जमीन में रख दीजिए। जैसे एड़ी उठाई, कमर को साइड से ऐसे घुमाते हुए पैर पूरा जमा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत प्यारा और बहुत इजी स्टेप है। अब इसमें आप हाथों का बहुत तरह से एक्शन बना सकती हैं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, सिंपल अपना ड्रेस लहंगा पकड़ के भी 1 2, बस कमर पे ध्यान दीजिए, 3 4 5 6 7 8, या कमर पे ऐसे हाथ रख के भी 1 2 3 4 5 6 7। पैरों को पास में रखिए, बस हल्का सा बेंड करिए, 1 2 3 4। उसी के साथ में हमें अपने हाथ के एक्शन करने। हाथ किस तरह करना है, हाथों को ऐसे, उंगलियों को ऐसे फंसा लीजिए और ऐसे कर लीजिए, ये यानी कि हथेली वाली सगर बाहर रहेगी, यूं, ऐसे नहीं, इस तरह से, ठीक है, यूं, ये। अब आपको दोनों साइड, इधर भी दो दो बार आपको ऐसे हाथ को बाहर करना है, यानी 1 2। और जब आप नीचे की तरफ भी एक्शन कर रहे हैं तो आपको झुक के एक्शन करना है, ध्यान रखा करिए। जब भी आप कोई नीचे का स्टेप करते हैं हाथों से तो आप हल्का सा झुक के, हल्का सा बेंड होके करिए तो वो और अच्छा लगता है देखने में। तो हम साइड में दो बार हाथ को ले जाएंगे, ऐसे मोड़ा हुआ है भी हाथ, सीधा, फिर मोड़ा, फिर सीधा, दो बार, 1 2, ठीक है। फिर यही चीज इस साइड करेंगे, 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारी बॉडी भी इस तरफ और इस तरफ ऐसे बेंड हो रही, हम अपनी जगह से हिल नहीं रहे लेकिन हम अपनी अपर बॉडी को बस इधर और इधर मूव कर रहे हैं। जब इस तरफ कर रहे हैं तो इधर, इस तरफ कर रहे हैं तो इधर, ठीक है। अब बस आप घुटनों को मोड़िए और ये स्टेप करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिनको भी जंप करके स्टेप करने में प्रॉब्लम है, ये उनके लिए बहुत काम का स्टेप है। नेक्स्ट आपको स्टेप क्या करना है, हाथों को इसी तरह से मुट्ठी बनाना है और आपको अपनी कलाई को यूं मोड़ना है, यूं कलाई से बस हाथ को ऐसे ऐसे मोड़ना है, दो बार, 1 2। यही चीज ऊपर करनी है, हाथ को ऐसे लग के, 1 2, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पैर और हाथ चलाइए, 1 2 3 4 5 6 7। हल्का हल्का डिपिंग का स्टेप करना है ये, ठीक है। हाथों का एक्शन देखिए, हाथ आपको जैसे अभी मैं अपने लेफ्ट साइड से कर रही हूं, ऐसे हाथों को लाके कंधे में रखा है ये वाला हाथ, और जो दूसरा हाथ है उसको नीचे यहां लगा देंगे कोनी, क्यों। अब फिर हाथ नीचे से डाउन जाएगा राउंड होते हुए, अब ये कंधे पे आएगा और ये हाथ इधर लगेगा, 1 2 3 4। और बस डिपिंग का एक्शन करना है और इसी तरह स्टेप करना है, और हाथों को सामने से शुरुआत करिए, ऐसे इधर लाइए फिर ऐसे इधर, बस आपको इस तरह से मोशन करना है। और हाथ की उंगलियां ऐसे खोल के रखिए तो अच्छी लगेगी, ऐसे नहीं, ऐसे, यूं हाथ खुला हुआ, यूं बस टच करना, ऐसे, ठीक है। अब पैर के साथ हाथ का स्टेप करते,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। आपको अपने पैरों को बस हल्का हल्का ऐसे डिपिंग करना है, बहुत हल्का हल्का उठाना है ऐसे, ठीक है। ये आपका डिपिंग का एक्शन रहे। हाथों का एक्शन देखिए क्या करना है। हाथ हमको यहां से शुरुआत करना है, बैक साइड पहले नीचे रहेगा, नीचे से शुरू करेंगे और बस हाथों को ऐसे पलटते हुए ऊपर तक ले जाना है चार काउंट्स में। नीचे से शुरू करेंगे और जब नीचे से स्टेप करेंगे तो हम झुक के करेंगे उस तरफ, साइड में थोड़ा झुक के स्टेप स्टार्ट करेंगे। जैसे वन टू थ्री फोर, पहले सिर्फ हाथ के स्टेप देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब पैर और हाथ एक साथ चलाएंगे, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। आपको अपने पैर को साइड में रखना है और वापस ले आए, दोनों साइड आप कर सकते हैं, किसी भी साइड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पैर को साइड में लाए और पीछे रख दिया, और जब आप पैर साइड में लाएंगे तो आप अपनी बॉडी को भी ऐसा हल्का टर्न लेके खड़े होंगे, ठीक है। ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब आपको अपने हाथ के एक्शन क्या करना है, एक हाथ कमर पे, जो पैर आपका नहीं चल रहा है वो हाथ आप कमर पे रखिए, दूसरे हाथ को इस तरह रखना है, हाथ सीधा ऐसे। अब आप बस पैर के साथ ही हाथ को लाइए आगे और ऐसे कर दीजिए यू, और फिर जब पैर पीछे जाएगा तो ऐसे कर दीजिए यू, पोजीशन यही रहेगी, बस ऐसे हल्का सा करना है, झटका देना है। वन टू थ्री फोर, और हम जब आ रहे हैं तो हम अपनी बॉडी को भी ऐसे टर्न कर रहे हैं यू, ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे हो, और जब पीछे जा रहा है तब हम बिल्कुल सीधे हो जा रहे हैं टू, और हाथ को ऐसे वन टू थ्री फोर। अब दूसरी तरफ कर सकते हैं, तो ये हाथ कमर पे रखिए, इस पैर को आगे पीछे करिए, अब इसको ऐसे कंधे हल्के से उचकाइए और हाथ ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, है ना इजी। देखें म्यूजिक पे कैसे लगेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है। मैंने ये 40 प्लस वालों के लिए जो सीरीज स्टार्ट करी है उससे आप घर बैठे बड़े आराम से डांस स्टेप सीख सकते हैं, और उसको के और वीडियोस लेके आने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो बस फिर मिलेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू। उस पैरों को बस हल्का हल्का ऐसे डिपिंग करना है, बहुत हल्का हल्का उठाना ऐसे, ठीक है। ये आपका डिपिंग का एक्शन रहे। हाथों के एक्शन देखिए क्या करना है। हाथ हमको यहां से शुरुआत करना है, बैक साइड पहले नीचे रहेगा, नीचे से शुरू करेंगे और बस हाथों को ऐसे पलटते हुए ऊपर तक ले जाना है चार काउंट्स में। नीचे से शुरू करेंगे और जब नीचे से स्टेप करेंगे तो हम झुक के करेंगे उस तरफ, साइड में थोड़ा झुक के स्टेप स्टार्ट करेंगे। जैसे वन टू थ्री फोर, और दूसरी तरफ सेम चीज, फाइव सिक्स सेवन एट, चार चार काउंट्स दोनों तरफ कर लें। पहले सिर्फ हाथ के स्टेप देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब पैर और हाथ एक साथ चलाएंगे, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, झुकने से स्टार्ट करिए और फिर सीधे हो जाइए स्टेप करते हुए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट।